दोस्तों एप्पल को पीछे करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल यानी कि नंबर वन टेक कंपनी बन गई है। इस टॉपिक पर आप कई आर्टिकल देख सकते हैं। पिछले दो सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कंपनी ने एप्पल को बीट किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एप्पल एक ब्रांड बन चुका है। एप्पल का मार्केट वैल्यू बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इन सब के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे एप्पल को पीछे करके नंबर वन टेक कंपनी बन गया, और क्या एप्पल कंपनी की ग्रोथ रुक गई है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई नया तरीका खोज लिया है। इसके अलावा भारत ने जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, उसका क्या हुआ? भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कब इन कंपनी को टक्कर देगा? स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों आईफोन यानी कि एप्पल ये $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप्चर हासिल करने वाला वर्ल्ड का पहला कंपनी है। पिछली बार 2021 में जब कोविड-19 चल रहा था, उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ा था, और फिर दो साल बाद 11 जनवरी 2024 को यानी कि कल ही फिर से माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि जब से 2024 स्टार्ट हुआ है, तभी से आईफोन की डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के कई तरह के प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते ताइवान के असेंबलर फॉक्सकॉन कंपनी ने कहा कि ईयर बाय ईयर उनका रेवेन्यू घटता जा रहा है। इसके अलावा कंपनी के सीईओ टिम कुक को एक एंटी ट्रस्ट केस का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यह केस यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण एप्पल का स्टॉक डाउन चल रहा है। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल का स्टॉक 3.3% डाउन चल रहा है, लेकिन वही माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक 1.8% बढ़ गया है। तो इस साल के शुरुआत में ही एप्पल को कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो अब तक आपने जाना कि एप्पल का जो स्टॉक है वो क्यों डाउन चल रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टॉक है वो कैसे आगे बढ़ गया, इसने किस नए स्ट्रेटेजी का यूज करके एप्पल को पीछे किया है, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं, फिर अपने भारत की बात करेंगे। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। इसके फाउंडर बिल गेट्स हैं, जो कि कुछ समय पहले तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। जब माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि एप्पल को कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी समझा और अपने डिवाइस में एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसा कि आपको पता होगा, आज पूरी दुनिया एआई का यूज कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले हफ्ते अपना प्लान शेयर करते हुए कहा कि सभी विंडोज पीसी के डिवाइस में कीबोर्ड पर कोपाइलोट की को लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोगों के लिए एआई असिस्टेंस का यूज करना और भी आसान हो जाएगा। एआई बिजनेस के दम पर 2023 में माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयर है वो 57% तक बढ़ गया था, लेकिन एप्पल का शेयर सिर्फ 48% तक बढ़ा था। तो इन सभी आंकड़ों को देख करके हम कह सकते हैं कि एप्पल अपने ब्रांड के कारण आईफोन की नई मॉडल को लॉन्च करके रेवेन्यू हासिल कर रहा है। वही माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे एआई को यूज करके टूल्स लॉन्च करके अपने सेल्स को बढ़ा रही है। मैट्रिक एसेट एडवाइजर के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का कहना है कि जब हम एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की कंपेयर करते हैं, तो एप्पल का रेवेन्यू ज्यादा नजर आता है, लेकिन ये कोई खास नहीं है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने ईयरनिंग ग्रोथ के लिए जो प्लान बनाया है, जो रोड मैप तैयार किया है, वो एप्पल के मुकाबले काफी अच्छा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिमांड को देखते हुए खुद को चेंज कर रहा है। बदलते मौसम के साथ जो खुद को बदल लेता है, वही आगे टिक पाता है। दैट इज द रूल ऑफ यूनिवर्स, और इन्हीं चीजों को फॉलो करके माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को टक्कर दे रहा है और मौका पाकर इसे पीछे भी छोड़ दे रहा है। और किसी ब्रांड कंपनी को पीछे करना, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। खैर ये सारी बातें जो मैंने की, ये अमेरिका को जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों अमेरिका की कंपनी है। अब बात करते हैं भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस, कि भारत ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, जिसे भार ओएस कहते हैं, यानी कि भारत ओएस। और ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी भारत के मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, लेकिन वो चल नहीं पाया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के हमने भारत के लिए एक बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, वो भी नहीं चल पाया। इसके बाद भारत ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, उसे हम भार ओएस बोल रहे हैं। ये वर्क अच्छा कर रहा है, लेकिन भारत के खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं चलने का जो रीजन है, जितने भी बड़े बड़े लैपटॉप मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती है, और जो एप्पल है उसका तो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक है, अगर भारत खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रहा है, तो उसके पहले भारत को खुद का मेड इन इंडिया मोबाइल बनाना पड़ेगा, मेड इन इंडिया लैपटॉप बनाना होगा, जिसकी मार्केट वैल्यू हो, जो मार्केट में बिके। और जब खुद के मोबाइल लैपटॉप में हम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएगा। ऐसे मान लीजिए चाइनीज फोन जितना भी एमआई है, वन प्लस है, उसमें उन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसमें हम अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते हैं। और भारत अभी उन पर दबाव भी नहीं बना पाएगा कि आप भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कीजिए, क्योंकि भारत अभी टेक्नोलॉजी के मामले में उतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि हम खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को उनके द्वारा बनाए गए लैपटॉप में डाल दें। क्योंकि भारत में जितने भी अच्छे लैपटॉप हैं, अच्छे मोबाइल हैं, वो सारे चाइनीज हैं, कुछ यूएस के हैं। तो सबसे पहले हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बनाना होगा, तभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई भारत को खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्या है। तो गाइस इसका मेन रीजन ये है कि अगर चाइना का ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो कुछ भी
काम करते हैं तो हमारा जो डाटा होता है वो उनके पास चला जाता है। ऐसे आम आदमी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत का जो मेन सिक्योरिटी है, भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, अगर हम सरकारी चीजों में उन कंट्री के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो हमारे सरकार का जो सरकारी डाटा है वो भी उन देशों के पास चला जाएगा, या तो माइक्रोसॉफ्ट के पास, या फिर चाइनीज कंपनी के पास, या फिर एप्पल कंपनी के पास। ऐसे में हमारा जो डाटा है वो सिक्योर नहीं है, और भारत के डाटा को सिक्योर करने के लिए भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। हो सकता है कि भारत के द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम को आम पब्लिक यूज ना कर पाए, लेकिन जितना भी सरकारी वर्क है उसमें हम खुद के द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं ताकि हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, कैसे हम भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।